तो हर कोई चाहता है कि गेम खेलते टाइम उसका गेम प्ले बिल्कुल खराब ना हो, उसकी गेम ना तो क्रैश करे या तो हैंग होए और ना ही लैग करे, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट आज हमने जो चैलेंज लिया वो बिल्कुल ही उल्टा ले रखा है। आज हम माइनक्राफ्ट खेलते हो अपना पीसी जब तक एकदम बंद नहीं हो जाता, यानी कि जब तक माइनक्राफ्ट एकदम क्रैश नहीं हो जाती ना, जब तक हम रुकेंगे नहीं। अब देखते हैं इसको करने में चैलेंज को हमें कितना ज्यादा टाइम लगता है और कितनी प्रॉब्लम्स आती है। वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे अलावा और कोई ये ट्राई करेगा भी या नहीं, तो ठीक है यार एक बार देख लेते हैं। और हाँ, तुम मत करने लग जाने, पता चले सिस्टम उड़ जाए तुम्हारा पूरा का पूरा। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ होगा भी नहीं, खाली पीली मैं छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देता हूँ। तो देखते हैं हमें कितना ज्यादा टाइम लगता है। और ठीक है भाई, अब चल ही लो, क्या रुके क्या हो तुम, सीधा चलो उधर। तो और भाई हीरो ब्रेन क्या हालचाल। और ये देखो गेम चालू हुई नहीं, सबसे पहले शाम होनी स्टार्ट हो गई। ये मेरे साथ हमेशा होते ही, अब तो खैर मेरे को इस चीज की आदत ही हो गई है। और ये देखो, ये है हमारा एटमॉस्फेयर चारों तरफ का, उधर है हमारा विलेज जहाँ पे हमने इतनी सारी टॉर्चेस लगा रखी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपना दिन कर लेते हैं क्योंकि रात के अंदर मजा आएगा नहीं। तो भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, उड़ जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये देखो हमारी टाट के ऊपर एकदम ही सूरज है। सूरज दिखाना, तो ये देखो एकदम सिर के ऊपर हमारा सूरज एकदम जग चुका है। और अब एक बार घूमते हैं अपने गांव के अंदर। सबसे पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या क्या, और एक सेकंड उधर वो क्या है, मेरे को सही चीज दिखी एकदम। तो सबसे पहले मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इस पोर्टल में हमने क्या करा था, लेकिन अभी तो हमें खैर पोर्टल के पास नहीं जाना, अभी तो हमें सिर्फ क्या दिक्कत है, बट क्या दिक्कत है, मेरे को अपनी बात पूरी कर देते। और एक सेकंड, ओ भाई ये क्या पहन रखा है इन्होंने सिर के ऊपर, ये तो मेरे को याद भी नहीं है। ओ भाई ये कहाँ से ला रहे हो तुम, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी चाहिए। और मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पीछे कलेश हो रही है, पता नहीं क्या, हाँ 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 करे जा रहे थे, उनसे दूर हो जाते खाली पीली मेरे चेक हो जाएंगे। तो ठीक है हम चल रहे हैं आगे की तरफ फुल बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो मेरे को एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी, उड़ते हुए चलते हैं ना सीधा। ठीक है तो ये वाला जो कोना है ये मेरे को अच्छा लग रहा है। और एक सेकंड भाई, ये क्या रुइन पोर्टल, अगर इस टाइम मैं सर्वाइवल में होता ना, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इतनी जल्दी मिल सकती थी ये सारी चीजें। और ये देखो हमेशा ऐसा ही होता है, क्रिएटिव में एक बार एंटर क्या कर लो, चीजें तो ऐसे मेरे पीछे पीछे घूमती जैसे कि मैं इंतजार कर रही हूँ कब मैं गेम चालू करूँ और ये कब सामने सामने अपने आप ही सुमन हो जाए। फिर भी एक बार देखते ना कि चेस्ट में हमें क्या मिलने वाला है। तो ठीक है भाई, वैसे तो हम शाबाश वैसे तो सामान बढ़िया बढ़िया था, लेकिन मेरे को इसको तोड़ने की जरूरत थी, मैं गलती से इस पे राइट क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट क्लिक की जगह। तो सबसे पहले हम क्या करें जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो एकदम ही हैंग हो जाए, यानी कि एकदम सिस्टम एकदम खत्म होने की कगार पे आ जाए। मेरे दिमाग में अभी भी एक आइडिया है, क्यों ना हम एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे क्रीपर डाल दे और उसके अंदर बिल्ली एक डाल दे। तुम्हें पता ही होगा कि क्रीपर को बिल्लियों से कितना ज्यादा डर लगता है, तो वो देखते कैसे इधर से उधर भागेंगे। और जब बहुत सारे क्रीपर हो जाएंगे उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो तो भाई साहब एकदम ही गर्म हो जाएगा, खत्म एकदम। वैसे मैं तो खुश क्यों रहूं, मेरे सिस्टम के लिए भाई सही नहीं है तो कोई नहीं, बट तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ठीक है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही लेना, कंपलसरी है बिल्कुल ही। तो सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं बेस क्रिएट कर लेता हूँ अपना अच्छा सा, और उसके बाद देखते हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो इतना बड़ा बॉक्स हमारे लिए काफी रहेगा, हाँ यार इतना काफी रहेगा, काफी सारे आ जाएंगे इसमें, वैसे भी ठूठ ठूस के भरने हमें। बस एक लास्ट वॉल और क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद तो ऊपर आ ही नहीं सकते वो बिल्कुल भी। ये एक यहाँ पे लग जा, एक यहाँ पे लग जा, बचे छोटा सा पार्ट और उसके बाद तो सारा का सारा क्लियर है मामला, उसके बाद तो क्रीपर फेंकेंगे अंदर। तो ठीक है भाई, हमारा जो ये छोटा सा कटोरा सा है जिसके अंदर हम सारे में क्रीपर भेजेंगे, तो ठीक है यार तुम समझ जाओ, ये छोटा सा जो हमारा रूम है जिसकी वॉल ऊपर से ओपन है, यहाँ पे अब हमारी बारी है क्रीपर डालने की। तो भाई रेडियो तो चलो करते कार्यक्रम चालू, अब हमें डालना है क्रीपर। तो एक क्रीपर, दो क्रीपर, तीन क्रीपर, चार क्रीपर, पांच क्रीपर। तो अब हमारे पास टीएनटी और साथ में हमारा फ्लिंट एंड स्टील भी आ चुका है, तो एक काम करते हैं अब सीधा इसके अंदर डाल देते हैं हम। तो मैंने दो टीएनटी लगा दिए हैं और फ्लिंट एंड स्टील से, अरे एक तो वैसे टूट गया, अब देखते क्या होता है हमारे साथ। और ये फटी फटना, और ये सारे के सारे उड़ चुके हैं, बट हमारे सिस्टम तो हैंग नहीं हुआ बिल्कुल। अबे ये क्या बात हुई यार, मजा नहीं आया मेरे को बिल्कुल। और ये कहाँ से आ गए भाई, तो थे ही नहीं यहाँ पे। और दो क्रीपर कैसे बच गए भाई, तुम्हारा क्या सीन है मेरे को ये बताओ। और ये ओ फट गया, तो हमें मिली ये एक्सपी भर के, बहुत बढ़िया भाई। मैं थक चुका हूँ, हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल हैंग हो ही नहीं रहा, तो एक काम करते हैं टीएनटी का बड़ा सा स्टैक बनाते हैं, उसको एकदम आग लगा देंगे उसके अंदर घुस के एकदम। तो टीएनटी आ गया भाई, टीएनटी कहाँ गया, ठीक है तो हम जाएंगे यहाँ पे बनाते हैं पूरा का पूरा स्टैक अपना। तो मैं कुछ इस तरीके से अभी रेंडमली लगा रहा हूँ अपने टीएनटी, एक बार देखते हैं कि कितने बड़े धमाके होंगे। अपना सिस्टम हैंग करने से इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता माइनक्राफ्ट के अंदर, सही बता रहा हूँ। अगर तुम्हें अपना सिस्टम एकदम ही खत्म करना हो ना, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब तुम देखना कितने सारे टीएनटी साथ फटने वाले हैं। अब लेंगे फ्लिंट एंड स्टील, मेरे को पता है ये इनफ नहीं है, लेकिन ठीक है एक बार देखते हैं कि कितना हमारा इंपैक्ट पड़ता है हमारे सिस्टम को। और ये भाई हाँ हाँ हुआ हुआ हुआ,
हैंग हुआ, हल्का हैंग हुआ, और ये एक सेकंड में ओके मिल गई। ठीक है भाई, यही कर रहा था मैं, हमारा मिशन कंप्लीट। और ये खाई घुसता जा रहा हूँ मैं, ये तो कुछ प्लान में था ही नहीं, एकदम ही रैंडम बन गया। पर नीचे नहीं घुसना, वैसे ही जा पा रहा है रास्ता में, ऊपर देखू तो सही। पर सच्ची बता रहा हूँ, एकदम ही अजीब अजीब सी चीज हो रही है, जो चीज नहीं करनी वो हो रही है। ठीक है, तो हम वहां से घुसे थे और यहाँ से निकले, तो बहुत बढ़िया भाई। ये वाला गेम प्ले थोड़ा अजीब सही हो गया, हमने सोचा था कि अपने जो सिस्टम है एकदम ही हैंग कर देंगे, बट कुछ अजीब ही हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को नहीं पता, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप तुम्हें मजा आया होगा, मेरे को पता ये थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन ठीक है यार, मजा आया, मेरे को तो मजा आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।